It's a very warm welcome to all of you. Myself Anjagana back again with our English class. So kids, today we are going to study chapter number 9 and this you have already done. आप पहले भी एक चैप्टर कर चुके हो, सो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है. एंड चैप्टर इज ए एन एंड द, कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है और द कहाँ पे यूज़ होता है. ये मैम आपको ऑलरेडी करा चुकी है, बट एक बार हम रिपीट करेंगे. ओके, सो ए यूज़ कहाँ होता है, आपको पता है हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, है ना. तो जो हमारे वॉवल्स होते हैं, आपको पता है हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं, हमारे वॉवल्स होते हैं बच्चे ए ई आई ओ यू, ये फाइव होते हैं हमारे वॉवल्स, ठीक है. और इन वॉवल्स के अलावा जो वर्ड्स बचते हैं, जो भी लेटर्स बचते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स. A, E, I, O, U. These five are the vowels and rest of the letters all are consonants. बाकी सारे बचे हुए letters क्या होते हैं, consonants होते हैं, ठीक है. So अब हमें करना क्या है, A कहाँ पे use होता है, A use होता है किसी भी एक चीज के लिए और किसी भी consonant से पहले. A is used before any of the words starting with the consonant. Like B से word कोई start हो रहा है या D से start हो रहा है, तो इन सारे कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, ए, ठीक है. जैसे कि अ कार, कार का क्या है फर्स्ट वर्ड सी, तो जो सी है वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है, वोवल तो नहीं है ना, ए आई ओ यू में तो नहीं आता, नहीं. तो ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कार लिखा है. एक चीज के लिए ए यूज होता है और दूसरी बात ये जहां पे भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे ए ही यूज होता है. नेक्स्ट टर्म्स चेयर, चेयर क्या है, सी से स्टार्ट हो रही है, तो जो कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होते हैं उससे पहले क्या आता है, ए, अ चेयर, अ बटरफ्लाई, अ डॉल, क्लियर. नेक्स्ट कम्स एन, एन कहाँ पे यूज होता है, कोई भी वर्ड जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उनसे क्या आता है, उनके आगे आता है एन. और एन कैसे यूज होता है, कोई भी वॉवल वाले वर्ड से पहले, क्या कोई भी वर्ड हो जिसके आगे ए ई आई ओ यू आ जाता है उनसे पहले क्या आता है एन. जैसे कि एन एप्पल, एप्पल का पहला लेटर क्या है, ए, और ये क्या होता है, वॉवल. नेक्स्ट इज आंट, आंट का पहला वर्ड क्या है, ए, दिस इज ऑल्सो वॉवल. देन एरोप्लेन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यू भी क्या है, वॉवल है ना, तो इससे पहले क्या आएगा एन. ईगल, ईगल कैसे स्टार्ट हो रहा है, ई से, और ई क्या होता है, वॉवल, ए ई आई ओ यू. इन फाइव वॉवल वाले वर्ड से पहले हमेशा क्या आएगा एन, और इनके अलावा जो भी बचे हुए वर्ड होते हैं उनको, वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट और उनसे पहले आते हैं ए. इतना क्लियर. अब देखो, वी यूज ए बिफोर यूनिकॉर्न. अब आप कहोगे मैम ए तो यूज करते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले, तो यूनिकॉर्न से, यूनिकॉर्न तो यू, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, ये तो सारे यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनसे पहले हम ए क्यों लिखते हैं, बिकॉज द वर्ड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, दैट इज वाई, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड है. यू, यूनिकॉर्न, अब जो यू होता है ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या होते हैं, वॉवल्स. बट जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं ये सारे क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं, इसलिए दैट इज वाई, ठीक है, ये वाई साउंड करते हैं, इसलिए इनको क्या लिखा जाता है, इनके आगे एन आता है. वी यूज ए बिफोर दिस, मतलब ये वॉवल्स हैं लेकिन इनसे पहले क्या आता है, ए, ठीक है. आप कहोगे मैम वॉवल से पहले तो हमेशा एन आता है, लेकिन नहीं, वॉवल से पहले इनमें क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज वी यूज एन बिफोर आर, ऑनेस्ट एटसेट्रा, बिकॉज दीज वर्ड बिगिन विद अ वॉवल साउंड. ये एन किस के आगे यूज होता है, जल्दी बताओ, एन यूज होता है वॉवल से पहले, एन इज यूज बिफोर द वॉवल, है ना, और ए किससे होता है, कॉन्सोनेंट से पहले. बट एन अब क्या आया है यहाँ पे, एन बिफोर इसलिए यूज हुआ है, एन आर, एन ऑनेस्ट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि दीज वर्ड बिगिन विद अ वॉवल साउंड, ये एक वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इज एयर एच इज साइलेंट, हम आर बोलते हैं इन्हें, है ना, होर तो नहीं बोलते ना, आर,
ऑनेस्ट, ठीक है, इसलिए आता है। नेक्स्ट पे आएंगे हम पेज नंबर 33 पर। अब हम देखेंगे द कहाँ पे यूज होता है। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। द यूज होता है जो कि चीजें एक ही होती हैं, जो उनके जैसा कोई नहीं होता, जैसे कि सन, सन दुनिया में एक ही होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता, तो द सन। मून, मून भी क्या होता है, एक ही होता है दुनिया में, उसके जैसा और कुछ नहीं होता, तो द मून। जो चीजें एक ही होती हैं पूरी दुनिया में, उनके आगे क्या यूज होता है, द। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग। द किसके आगे, फेमस जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके आगे भी यूज होता है। फेमस बुक्स, फेमस सीज, रिवर, ओशन, जो भी फेमस चीजें होती हैं उनके आगे क्या यूज होता है, द। जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल बहुत फेमस है। द डेड सी, द गंगा, द अटलांटिक ओशन, द रामायण। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे अ कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे और द कहाँ पे। अ कहाँ पे यूज होता है, किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले। अ कार, अ बैट, अ डॉल, अ काउ, अ ट्री, अ मैन, अ ईयर, अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ऑरेंज, एन एग, एन आउल, एन ईगल, एन अम्ब्रेला, एन आन, एन आइसक्रीम, एन एप्पल, ये सारे क्या है, वोवल्स। द यूज होता है किसी भी फेमस चीजों के लिए, या फिर वो चीजें जो कि सिर्फ एक ही होती हैं। द सन, द मून, द यमुना, द ताजमहल, द गंगा, द रामायण, द इंडियन ओशन, द रेड सी। क्लियर। नेक्स्ट कांसर एक्सरसाइज टाइम, राइट ए एन और द। अब आपको ए एन द लिखना है। अब आपको पता है ए कहाँ आता है, एन कहाँ पे, द कहाँ पे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ए एन और द आपका पूरा चैप्टर ही यही था, कॉन्सेप्ट ये था, ए कहाँ, एन और द कहाँ पे यूज होंगे। तो ये सारे एक्सरसाइजेस बच्चे अब आप खुद पे कंप्लीट करोगे और मैम को वर्क सेंड करोगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।